हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर धरने के हवाले से, जो रात गए अचानक खत्म हो गया। पैसे लेके धरना छोड़ दिया है। जी आखिरकार एक हफ्ते के बाद लाहौर का धरना खत्म हो ही गया। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का जो अशरफ जलाली का फैक्शन है, एक हफ्ते से वो लाहौर के मॉल रोड पे धरना देके बैठा था। बहुत से मुतालबात थे इनमें उनके, जिनमें से सर फहरिस्त वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला का इस्तीफा हो गया था। कल रात गए अचानक लाहौर के अवाम को खुशखबरी मिली और उन्हें एक खुशगवार हैरत हुई कि हुकूमत पंजाब और तहरीक लब्बैक अशरफ जलाली साकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके नतीजे में एक नया मुआहिदा अमल में आ गया। इस मुआहिदे की तीन चार मजीद शिकें हैं। ये शिकें क्या हैं, ये कितनी तश्वीशनाक हैं, ये इस मुआशरे के लिए, इस जमहूरियत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, इसके हवाले से तो आगे चल के बात करेंगे। क्योंकि रात के अंधेरे में हुकूमत पंजाब ने तहरीक लब्बैक वालों से ये मुआहिदा किया है, लेकिन लाहौर के अवाम के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि मॉल रोड जो कि लाहौर की मुआशी शहरग है, एक हफ्ते से मुकम्मल कटी हुई थी, मुकम्मल बंद थी। दफ्तरों को जाने वाले, स्कूल कॉलेज को जाने वाले, अपने अपने कामों को जाने वाले, वो बिल्कुल पाबंद होके बैठ गए थे। उनके लिए एक अच्छी खबर है, इसीलिए लाहौर के अवाम का रद्द अमल क्या है पहले वो देखिएगा, उसके बाद मजीद बात करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी इस धरने की वजह से। आने जाने में बड़ा मसला हो रहा था। हम तकरीबन डेढ़ डेढ़ घंटा मार रोड के अंदर ट्रैफिक के अंदर फंसे रहते थे। जो ड्यूटी का टाइम, अगर 8 या 9 बजे हमें सुबह फजर के टाइम निकलना पड़ता था ड्यूटी के लिए। तो बहुत मेहरबानी है गवर्नमेंट की कि उन्होंने धरने को ख़त्म करवाया है। उधर से जाना था, इधर से जाना था, फिर वो उस तरफ भेज देते थे। बहुत तकलीफ हुई है भाईजान आने जाने में। ये लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमें कम से कम दूसरे लोगों का ख्याल करना चाहिए। आप देखें एम्बुलेंस आती है, सारा कुछ आता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह राउंड काट के कहीं से कहीं जाना पड़ता है। इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन धरनों की वजह से। ये धरने वाम का पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, हुकूमत ने भी और धरने वालों ने भी। कुछ नहीं छोड़ा हम लोगों का, लूट कुछ लूट के ले गए हैं कुछ, फिर भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्या मिलेगा। दुकाने का पूरा हफ्ता बंद रही, धरने भी खान पीन तो तंग हो गए हैं, बच्चे अगे पीछे बहुत तंग हो गए। धरने इस्लामाबाद भी हर जगह से धरने हो रहे हैं, धरने रहेंगे अभी खत्म हो जाएंगे जनाब। जो मौजूदा हालात पीछे गए हैं, मुल्क में बड़ा नुकसान हुआ, हम कारोबारी लोग हैं, बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। हमारा ये कम से कम, हमारे जितने ताजर भाई हैं, कारोबारी लोग हैं, कम से कम एक दिन का हमें 20 से 25 हज़ार रुपये का जो हमारा इन्वेस्टमेंट होती है वो टूटी है। यहाँ पर हफ्ता रास्ता ब्लॉक रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत तंगी होती थी। हमारे लेक्चरार हमें डांटते थे, आज रास्ता खुला है जिसकी वजह से हमें आसानी या कॉलेज जाने में भी। साइड पे एहतजाज करना चाहिए, दूसरी मतलब मखलूक खुदा को तंग करना ये भी सही बात नहीं है। उलमा कराम ने पैसे लेके धरना छोड़ दिया है, आवाम ने इतना खुला तकलीफ च रखे है। अल्लाह तआला मौलवियों को साड़ी जान चढ़ा दे, बस ये कोई इन्हों आवाम का ख्याल नहीं, इन्हों सिर्फ पैसे नाले असी लोग समझते सा कि ये साढ़े खैर खान नहीं, इन्होंने पैसे मिले ने इन्हें छोड़ दिता है। सिर्फ 50 बंदे बैठ के इन्हें आवाम को रोज़ तकलीफ दी है, पैसे ला के खत्म कर दिया बस। हम लोग तो ये भी सुन रहे हैं कि जो इस्लामाबाद वाला धरना है वो रजवी साहब ने बहुत ज़्यादा पैसे लेके उसको ख़त्म किया, और जो हमारे लोग भाई वहाँ पे शहीद हुए हैं उनकी तो इन्होंने FIR भी नहीं लेके आए, ये तो ज्यादती है। वो मौलवी साहब कहते थे लाहौर आके हम ये धरना खत्म करेंगे, यहाँ पे वो आया नहीं। रजवी साहब मौलवी बने हुए हैं, हैं देखें लब्बैक या रसूलल्लाह तहरीक पर इन्होंने पैसे खा लिए हैं, हमें पता लगा कि 21 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है।
लाहौर के आवाम की राय क्या है लाहौर धरना खत्म होने के हवाले से, फैजाबाद धरना खत्म होने के हवाले से, वो आपने सुन लिया। अब आ जाइए कि हुकूमत पंजाब ने रात के अंधेरे में तहरीक लबैक से जो मुआहदा किया है वो कितना खतरनाक, कितना गैर जमहूरी, कितना गैर कानूनी हो सकता है। सबसे पहले तो ये जो एक राजा सैफुल हक कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 20 दिसंबर को सामने आएगी। राजा सैफुल हक साहब से आज भी मेरी बात हुई है, उनका कहना यह था कि रिपोर्ट तैयार है, नवाज शरीफ साहब को दे दी गई है। अब यह नवाज शरीफ साहब की सवाबदीद है कि वो इसे पब्लिक करवाते हैं या नहीं करवाते। सो ये भी देखना पड़ेगा कि विफाकी और पंजाब हुकूमत अपने इन मुआहदों पे कितना कायम रहती हैं, क्या वो इन मुआहदों को करने में संजीदा थी या उन्होंने वक्ती तौर पे फिलहाल अपनी जान छुड़वाई है। दूसरी चीज ये कि जो लाउडस्पीकर का कानून, जो कि बहुत अच्छा कानून था कि एक लाउडस्पीकर इस्तेमाल होगा हर मस्जिद पर और हर जगह पर, जो कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में बड़ा अच्छा कानून था, पंजाब गवर्नमेंट इन लोगों के, तहरीक लबैक के लोगों के मुतालबे पे पसपा होके, उन पर मजबूर होके अपना ये अच्छा कानून लपेटने जा रही है, जो कि नेशनल एक्शन प्लान की रूह से इंतहाई गलत है। इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा मुतालबा जो अशरफ जलाली फैक्शन ने किया है वो ये कि कौमी मुशावरती काउंसिल का कयाम लाया जाए। सवाल ये उठता है कि जब इस्लामी नजरियाती काउंसिल ऐसे तमाम दीनी और इस्लामी और शरई मामलात की तहकीक के लिए और उनके हवाले से रिकमेंडेशंस देने के लिए मौजूद है, तो फिर कौमी मुशावरती काउंसिल क्यों सामने लाई जाए। और एक और खतरनाक नुक्ता जो कि हुकूमत पंजाब ने तय किया है तहरीक लबैक वालों से, वो ये कि पंजाब का जितना भी निसाब होगा उसका जायजा उलमा बोर्ड लेगा, जिसमें तहरीक लबैक के नुमाइंदे शामिल होंगे। इन सारे मामलों पे बात करने के लिए हमने पंजाब हुकूमत से भी राबता किया, लेकिन मुझे पंजाब का कोई नुमाइंदा बात करने को तैयार नहीं है। शायद वो भी इस मुआहदों को मानते नहीं हैं या फिर शर्मिंदा हैं, पशेमान हैं कि मीडिया के सामने आके क्या जवाब दें। बहरहाल बात तो हम करेंगे, और इसी हवाले से आज प्रोग्राम में मैंने जहमत दी है, दावत दी है, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, जियाउद्दीन साहब कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं जनाब निसार खोड़ो साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी मुमताज रहनुमा हैं नईमुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम हजरात को, और निसार खोड़ो साहब और नईमुल हक साहब, आपकी इजाजत से जियाउद्दीन साहब से मैं पहला सवाल करना चाहूंगी। जियाउद्दीन साहब, पाकिस्तान के आवाम चाहते हैं, लाहौर के आवाम चाहते हैं, आपने सुन लिया होगा उनका रद्द अमल, लेकिन मसला वो शिकें हैं मुआहदों की जिन पर ये धरना लपेटा जाता है, खत्म करवाया जाता है, ये शिकें ये तो बिल्कुल गैर जमहूरी हैं, ये तो बड़ी खतरनाक हैं सोसाइटी के लिए, क्या कहेंगे आप इस पे जियाउद्दीन साहब? इसमें जो फेलियर है, टोटल फेलियर है सियासी जमातों का, और खासकर पंजाब में जो डोमिनेंट पोलिटिकल पार्टीज हैं दोनों, यानी PMLN और PTI, दोनों फार राइट के पार्टीज हैं ये, और इनकी जो सपोर्ट है, मिसाल के तौर पे PMLN की जो सपोर्ट है वो है फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी की तरफ से, बिग बिजनेस की तरफ से और शॉपकीपर्स की तरफ से, और ये सब के सब जो हैं वो फार राइट के लोग हैं। पंजाब खुद जो है ना, द प्रोविंस जो बिगेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो टोटली फार राइट की तरफ चला गया है, और इनका मजहब की तरफ से जो ना, मजहब की छोटी छोटी बातों पे ये मुश्तल हो जाते हैं, पूरी पॉपुलेशन का मसला यही है। तो इसीलिए इन्हें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये कोशिश ही नहीं करती कि इसको टेक ऑन करें, इनको इस किस्म की जो मार्जिनलाइज पॉकेट के जो ग्रुप्स हैं उनको कन्फ्रंट करें और उनको जो है ना पीछे धकेलें। आपको याद होगा जब 2013 का इलेक्शन हो रहे थे तो TTP ने कहा था कि हम MTM को, पीपल्स पार्टी को, ANP को इलेक्शनियरिंग करने नहीं देंगे। तो ये दोनों पार्टी जो थी, PTI और PMLN, वो खामोश नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हत्ता कि आपको याद है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जब बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट होने लगे थे तो उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी TTP को कि भाई हम तो आपके साथी हैं, आप हमें हमारे प्रॉमिस पे क्यों आप बम ब्लास्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से PTI साहब, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट आया है, और ये जो सारा धरनों का एक फियास्को शुरू हुआ है इस पे पीपल्स पार्टी इसके अगेंस्ट है। निसार खोर साहब से मैं ये सवाल करूंगी, लेकिन नईमुल हक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक लबैक वालों की हिमायत का ऐलान कर दिया। निसार खोर साहब आपके पास मैं आऊंगी, आपकी पार्टी ने सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी जो फैजाबाद का धरना था उसको चैलेंज कर दिया है, उस पर तहरीक इल्तवा। निसार खोर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। ठीक है,
ठीक है, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती थी कि आपकी जो पार्टी है उसने सेनेट में और कौमी असेंबली में तो तहरीके इल्तवा सबमिट करवा रखी हैं फैजाबाद धरने के हवाले से, लाहौर धरने पर जो ये शिकायतें सामने आई हैं क्या कहेंगे इस पे आप निसार साहब? अब जिसमें कहते हैं ना कि हुकूमत में बकल अंडर हुई है, वो कह नहीं सकी, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ के यहाँ होते हुए उनकी हुकूमत इतना कुछ कर नहीं पाई और उसमें पाकिस्तान को रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला कि फैजाबाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े सवाल उठा दिए कि किसी ने नेगोशिएट कराने के लिए कोई किरदार अदा किया। ये सब वो चीज़ें हैं जिसमें हमें हुकूमत की कमज़ोरी सामने नज़र आती है और ये कमज़ोरी उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाने की वजह से, नहीं तो अप्रोच किया जा सकता था, उनको समझाया जा सकता था। ये जो बड़ी शेख की मारते थे शहबाज शरीफ के, पत्ता नहीं हिलता मेरा पंजाब में मेरे हुक्म के अलावा, उनकी भी कलई खुल गई है कि वो कुछ कर नहीं पाए, उनके सामने बेबस नज़र आए, ये बेबस नज़र आए इस तरह से कि रात के अंधेरे में जाके वो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने मान ली जो पहले नहीं मानी हुई थी, फैजाबाद वाले मुआहदे में शायद ये नहीं था, अब उन्होंने एक्स्ट्रा उनको लीवरेज देकर भी उनके उनको अपने ऊपर हावी कर लिया एक लिहाज से। अब वो बात छुड़ाने की बात है, भागने की बात है, और मतलब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें कि हुकूमत क्लब बैक वालों के साथ किए हैं, ये बहुत तश्वीशनाक है जमहूरी अमल के लिए मुल्क में। सर देखिए, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसको पाकिस्तान के सियासी जो मंजरनामा है उसमें उसकी रोशनी में देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद मराहिल में है और इसके लिए तकरीबन नामुमकिन होगा कि ये लाहौर का या इससे पहले जो इस्लामाबाद में एक समझौता जिस पर दस्तखत किए गए हैं उस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद कर सके। मैं नहीं समझ, आपको याद होगा कि सन 77 में भुट्टो साहब जो एक बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पीएनए की जमातों के साथ एक इसी किस्म का एग्रीमेंट साइन किया था, मगर उस वक्त मसला कुछ और था और नतीजा ये हुआ कि उसका उस पर अमल दरामद एक महदूद हद तक हुआ मगर हुकूमत थी जो थी वो गिर गई। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा शदीद जो सियासी मसला है वो हुकूमत की बका का है, क्योंकि ये हुकूमत काम नहीं कर पा रही, ये हुकूमत माफ़ कीजिएगा लंगड़ी लूली और अपाहज हो चुकी है। इसके बेशुमार इसकी मिसालें मौजूद हैं, वज़ीर आज़म का अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाद हसन फाद या नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के बग़ैर कोई कदम नहीं उठाते, वज़ीर दाखला वज़ीर खारजा वज़ीर दिफा जो हैं वो भी अपने जो मामलात हैं उन पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, इनके जो अक्सर वज़रा हैं वो या तो पंजाब हाउस या जाती उम्रा के चक्कर लगा रहे हैं। इनकी जो तरजीहात हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो एक अपने आप को एक मुकम्मल जवाल से बचाने की तरजीहात हैं। उस रोशनी में इन्होंने ये जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग की हुकूमत या इसके कायदीन इन समझौतों के बारे में संजीदा है। उन्होंने फ़िलहाल वक्ती तौर पर यह दस्तखत कर दिए हैं मगर सिर्फ इसलिए कि शायद उनकी हुकूमत बच जाए या उनकी हुकूमत को कुछ मजीद दिन और मिल जाए, मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूं साहब आप कह रहे हैं कि ये मुआहदे इसलिए किए हैं कि शायद नून लीग की हुकूमत जो है वो बच जाए, जबकि नवाज शरीफ साहब ने आज क्वेटा में खिताब करते हुए कहा है शायद आपकी तरफ इशारा था कि नाचने गाने वाले 2018 में फारिग हो जाएंगे और नून लीग के दोबारा हुकूमत आएगी, और बड़ी सख्त तनकीद किया उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और ये भी कहा है कि उन्हें निकालने का फैसला अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई पर भी तनकीद की है, अदलिया पर फिर से मजीद तनकीद की है नवाज शरीफ साहब ने। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं, वो बहकी बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ज़िंदगी में नहीं की थी दिखावे के लिए। तनकीद हमें उनकी परवाह नहीं कि वो क्या कहते हैं, हम समझते हैं कि हमारी मकबूलियत इस वक्त उरूज पर है, हमने पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जमानी की है और करते रहेंगे और इस मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नवाज शरीफ को मुतफ़क़ा तौर पर पाकिस्तान के तमाम जो कौमी ज़िंदगी के शोबे हैं उनकी जानिब से जब इनको हटाया गया उसको मैं समझता हूँ सराहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है कि इनको फारिग कर दिया, क्योंकि 30 साल से इन्होंने जिस कस्म की हुकूमत करने की कोशिश की, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट देकर
कमीशन बनाकर उनको बाहर मुंतकिल किया और फिर पाकिस्तानी कौम से झूठ बोला और पकड़े गए। और आप यकीन मानिए कि इस वक्त बहुत सारे एम पी एस जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमसे रबते कर रहे हैं, कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया है। और मैं समझता हूँ कि इनके अंदर जो एक इंतशार है वो कैफियत बढ़ती चली जाएगी और बेशुमार मजीद इनके जो कौमी असम्बली के अराकीन हैं या सूबाई के असम्बली के अराकीन हैं वो बहुत जल्द इनको छोड़ देंगे। मुकदमात इनके खिलाफ शुरू हो चुके हैं, नैब के मुकदमात हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो हुदैबिया का है वो है, इसके नतीजे और इनके नतायज एक दो महीने में सामने आ जाएंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग का जो एक दो महीने में सामने आ जाएंगे। निसार खोड़ो साहब ने चूंकि कहीं जाना है सो उनको हमें फ्री भी करना है। निसार खोड़ो साहब आपका जाने से पहले एक लास्ट कमेंट मैं जरूर लेना चाहूंगी। नईमुल हक साहब जैसे फरमा रहे हैं कि शरीफ फैमिली के नून लीग के बस अब एक दो माह रह गए हैं और दिसंबर का महीना इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट नजर आता है कि इसमें अभी 4 दिसंबर को नैब रेफरेंसेस का भी फैसला हो जाएगा कि इकट्ठे सुने जाते हैं अलग अलग सुने जाते हैं, फिर उसके बाद जाहिर है 2 महीने रह गए हैं नैब के पास ये रेफरेंसेस निमटा देने में, देन हुदैबिया का केस, क्या देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब के लिए? वो तो कहते हैं कि मुझे माइनस करने वाले नहीं कर सकते, मैं प्लस हो गया हूं। भाई नवाज शरीफ साहब को खामखा ये रोना रो रहा है, वो भूल क्यों जाता है कि जब कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया था तो उन्होंने मिठाइयां बांटी थी जी, मिठाइयां खाई थी, शहबाज शरीफ साहब ने मिठाई खिलाई, मरियम साहिबा ने मिठाई खिलाई, और उसके बाद जब वो नाइल हुए तो रो क्यों रहे? बाकी नैब का फैसला हुआ तो नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा ना, पार्लियामेंट के खिलाफ थोड़ी आएगा। तो ये जमहूरी निजाम है वो चलता है, अगर एक नवाज शरीफ साहब नहीं है तो क्या हो गया? थैंक यू। ओके ठीक है निसार खोड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका इतना वक्त देने के लिए। एंड कमिंग बैक टू द एग्रीमेंट्स के बहुत तश्वीशनाक हैं, एक दफा फिर से इन पे बात करना चाहेंगे। समाजी रानुमा जिब्रान नासिर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, आपको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। जिब्रान आप शायद जो फैजाबाद का एग्रीमेंट है उसे चैलेंज भी करने जा रहे हैं शायद अदालत में, एक तो वो भी कंफर्म कर दीजिएगा। दूसरा ये लाहौर का एक और धरना हटाने के लिए एक और मुआहिदा सामने आ गया है जो कि बहुत तश्वीशनाक है, बहुत खतरनाक है। एक तो कौमी मुशावरती काउंसिल, जबकि इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौजूद है तो ये नई कौमी मुशावरती काउंसिल क्यों बन जानी चाहिए? फिर निसाब में उलमा को शामिल करना, तहरीके लबैक के नुमाइंदों को शामिल करना, फिर लाउड स्पीकर के मामलात, जिब्रान ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? देखिए हमारे माशरे के अंदर जो सियासत हो रही है सर्वाइवल की हो रही है और हर कोई जो है एक दूसरे को तनहा छोड़ा हुआ है और हर कोई जो अपने सर्वाइवल के लिए अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कर रहा है, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहा है, कोई तबसरे कर रहा है और कोई बैठ के सासी का किरदार अदा कर रहा है और कोई बैठ के बकायदा इनके धरने ज्वाइन भी कर रहा है या ये कह रहा है कि मेरे लोग धरने ज्वाइन करने को तैयार थे चूंकि इलेक्शन करीब है, 6 माह रह गए हैं और कोई इतना वोट बैंक तोड़ना नहीं चाहता और खोना नहीं चाहता। अब यहाँ तक एग्रीमेंट की बात है, इस हवाले से जो आपने बात की मेरे लिए जो हम मैं कंफर्म कर दूं कि जी बिल्कुल हम इस पर काम करें और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में सुबह को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और आफरीन है तमाम सियासी पार्टी के लीडरान ने कि जिन्होंने ये तो बहुत बात की कि जी ऑपरेशन नाकाम था कि कामयाब था, ये तो बहुत बात की कि जी वो खतरा नबूत की इशू को छेड़ा गया कि नहीं छेड़ा गया, मगर इस पर तबसरा नहीं किया गया कि जो चीजें इन्होंने एग्रीमेंट में एग्री की हैं वो आइन के खिलाफ हैं, वो पार्लियामेंट पे भी धब्बा है, वो जमहूरियत पे भी धब्बा है और वो हुकूमत भी धब्बा है और पार्लियामेंट पे धब्बा इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के लीडरान खड़े होकर ये बात नहीं कर रहे कि आप कैसे इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स के आगे हाथ फेर सकते, जो कहते हैं घुटने टेक सकते हैं। अगर मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखूं, पाकिस्तान के अंदर की बड़ी बहस चली जाती है कि जी जो हमारे बलासमी से हवाले से लॉज हैं इनमें जो है कभी मिसयूज इनका हो जाता है तो इदारे को कोर्ट नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑब्जर्वेशन दी थी ये एक केस के अंदर सलमान तासीर साहब के हवाले से जो केस था उनके मर्डर का, और हमारे लॉ के अंदर भी सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंप्लेंट आती है ब्लास्फेमी की तो कम से कम एसपी लेवल का इंसान होगा जो उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर एफआईआर कटेगी। आपने कहा कि जी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी हम वो निकाल देंगे, फिर आपने कहा कि पंजाब का एक लॉ मिनिस्टर है उसके अकीदे का मुआयना किया जाएगा, उसके अकीदे का मुआयना कौन करेगा? पीर अब्दुल काजी जो कि 4th शेड्यूल में होने की वजह से टेरर सस्पेक्ट है। तो हम अग्री कर रहे हैं कि वो लोग जिन पे हमें दहशतगर्दी का शक है वो बैठ के एक सूबे के वजीर कानून का अकीदा तय करेंगे और फिर तय करेंगे कि अपनी जॉब पर नौकरी पर वापस जा सकता है कि नहीं जा सकता। वो हमारे पुलिस वाले जो ऑर्डर्स के तहत डंडा उठा के खड़े हुए कि जी आइन का मुल्क का दल हुकूमत का दफा करेंगे
उनको कॉम्पनसेशन सपोर्ट करने के बजाय हम कह रहे हैं कि अब उन पर इंक्वायरी खोली जाएगी कि उनका आगे क्या करना चाहिए। इसी तरह की जो बाकी डिमांड्स हैं ये लाउड स्पीकर के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, और फिर निसाब के हवाले से भी कि आप देखिए निसाब के अंदर भी हमारा रिलीजियस टैक्स पढ़ा जाता है। जगीत उलमा बिल्कुल बैठे टैक्स के बोर्ड के ऊपर, पहले भी रहते रहे हैं, मगर ऐसे लोग जो टेरर सस्पेक्ट हैं, ऐसे लोग जो फोर्थ शेड्यूल में हैं, जो कि खादिम रजवी भी फोर्थ शेड्यूल, अब्दुल कादरी भी फोर्थ शेड्यूल में है, उनको वोट पे लाना या उनके नुमाइंदों को वोट पे लाना, और जहां तक आपकी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल है, ये तो आईन के तहत बनी हुई है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 228 या 227 इसके तहत बनी हुई है। यही मेरा पॉइंट था कि होते हुए कौमी मुशावरती काउंसिल की जरूरत क्या है। जिब्रान आपका बहुत शुक्रिया। जी सियाउद्दीन साहब, यही सवाल लेके मैं आपके पास आऊंगी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल जब आइन के तहत कायम है तो फिर कौमी मुशावरती काउंसिल या हुकूमत पंजाब ने कैसे मुतालबा तस्लीम कर लिया जिस पे ख्वाजा साद रफीक के भी दस्तखत हैं जो वफाकी हुकूमत के भी नुमाइंदे हैं जाहिर है। हाँ नहीं गरीदा, मैं जिब्रान नासिर की सारी बात से अग्री करता हूँ, और जहाँ तक इस्लामाबाद का जो फैसला हुआ था वो एक विश लिस्ट है, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक लाहौर का फैसला जो है वो है सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट ये पंजाब में उनके वोटर्स जो हैं वो उन्हें छोड़कर ना भागें, इन्हें जो जो एक अंदेशा है उनको कि जिस किस्म की प्रेशर, जिस किस्म का प्रेशर जो पड़ रहा था, पड़ रहा है अभी भी ये जो जो स्मॉल लिटिल फैक्शन की तरफ से, वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन तक अपनी पार्टी को बचा के लेके चले जाएं। वो ये जो पंजाब में जो इन्हें जो अग्रीमेंट हुआ है वो टोटली उनको अपनी पार्टी बचाने के सिलसिले में उन्होंने ये अग्रीमेंट किए। मैं नहीं समझता कि उसको ये इम्प्लीमेंट करने की कोई इरादा भी रखते हैं। जी ओके, जियाउद्दीन साहब फरमा रहे हैं कि सिर्फ अपनी फिलहाल एक जान, सियासी जान हो गए थे कुछ दो साल के वक्फे के दौरान। सलीम शहजाद साहब हाल ही में पाकिस्तान वापस आए हैं, मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं। उन्होंने आज एक तहलका कर दिया, ये तहलका उन्होंने पहले भी किया था, उन्होंने कहा था कि वो एक नई सियासी जमात बनाएंगे, लेकिन अब जिस सियासी ये ऐलान किया है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्ते पहले एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी का इल्हाक करवाने की भी कोशिश की गई जो कि बुरी तरह से नाकाम हो गई। अब कराची की सियासत में एक नई हलचल मचाने सलीम शहजाद सामने वापस आ गए हैं, जो कहते हैं कि वो अपनी नई सियासी जमात बनाएंगे और 16 दिसंबर को कराची में एक जलसा भी करेंगे, और उनकी पार्टी कोई ड्राइक्लीन पार्टी नहीं होगी। मजीद उनके प्लान्स क्या हैं सियासी, उनकी सियासी जमात किस किस्म की होगी, सलीम शहजाद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम शहजाद साहब। वालेकुम सलाम गरीदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कि आपकी तबीयत, आपके मिजाज बहुत अच्छे हो गए हैं जो आपने अब सियासी जमात बनाने का दोबारा से ऐलान कर दिया है। गरीदा मैं बहुत अरसे से, तकरीबन 10 महीने हो गए मुझे कराची में रहते हुए जी, और कराची की सड़कों पे घूमते हुए मुझे हर पल आंसू मेरा निकलता था इस शहर को, जो रोशनियों का शहर था जिसे देखने के लिए लोग दूसरे सूबों से आते थे। आज ये शहर जो है वो कचरा कुंडी का ढेर बन गया है। आज यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम है, आज यहाँ पर पानी की किल्लत है, आज यहाँ का ट्रैफिक का निजाम गरम भरम है। उस कराची को देख कर मेरा दिल रोता है कि जिस कराची के लिए इतनी मेहनत की गई और इतने मुंतखब नुमाइंदे, MNAs, MPAs, सेनेटर, मेयर, लेकिन आज इतना अरसा गुजरने के बाद किसी ने कुछ नहीं किया सवाए बदतमीजी के। सलीम साहब मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा, ये जितने मसाइल आपने कराची के बताए हैं, पानी का मसला है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ट्रैफिक का मसला है, ये तो उस वक्त से हैं जब से आपकी पुरानी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में हुआ करती थी, ये तो उस वक्त से मसाइल चलते आ रहे हैं, तो उस वक्त भी हल नहीं हुए थे क्या? उस वक्त कराची की सड़कों पर चलते हुए आपको तकलीफ डेफिनेटली होती होगी, उस वक्त भी आपकी आंखों में आंसू आते होंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये कसूर मुल्क समेत पूरी एमकेएम का है, वो एमकेएम जो लंदन एमकेएम कहलाती है और वो एमकेएम जो आज एमकेएम पाकिस्तान कहलाती है। मैं तमाम लोगों को उसका कसूरवार ठहराता हूँ कि उन्होंने उन वोटर्स को मायूस किया जिन्होंने उनको कंधों पे बिठाया, जिनके लिए नारे लगाए, जिनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, अपनी जानें कुर्बान कर दी।
आज वो शहर को उन्होंने जो है वो छोड़ करके इस शहर को तोहफा दिया, टारगेट किलिंग का, चाइना कटिंग का, भत्ता खोरी का, रॉक एजेंट्स का। मेरा दिल आज भी रोता था, पहले भी रोता था, लेकिन अभी रोता है कि उन लोगों ने इस शहर को लावारिस छोड़ दिया। सलीम साहब, एक सवाल की इजाजत देंगे मुझे? जी जी बिल्कुल। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये बातें पहले भी कहीं सुनी सुनी हैं, किसी के मुंह से हमने सुनी है ये बातें, शायद कमाल साहब से सुनी है हमने, तो मुझे ये सवाल करने की इजाजत दीजिएगा कि आप भी क्या किसी के कहने पर सियासी जमात तो नहीं बना रहे? क्या कोई ये एस्टैब्लिशमेंट का कोई नया सियासी खेल तो नहीं है सलीम साहब कराची में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज भी यूं बता समझें कि 10 महीने में मेरे पास इस वक्त अपनी जाती इस्तेमाल की गाड़ी नहीं है, मैं अपनी बहन के घर पे रहता हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, कोई लैंड क्रूजर नहीं है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे मेरे मुखलिस कारकुनान है, मेरे वो कारकुनान है जो बेचारे जेलों में, मेरे पीछे वो आवाम है जो बेचारी सड़कों पे घूम रही है, मेरे पीछे वो नौजवान है जो नकल में नकल की तरफ रागिब हो गए हैं। चलें, कम से कम आपने तो वाजे कर दिया कि आपके पीछे एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके फाइन। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी सियासी जमात का नाम क्या होगा? कोई नाम सोचा है आपने? कोई मुत्तहिदा टाइप का नाम होगा, कोई पाक किस्म का नाम होगा, और आपके सियासी जमात का झंडा क्या होगा? देखिये गरीदा, मेरी एक कोर कमेटी है। ठीक। ये कोर कमेटी मैंने 4 महीने पहले बनाई है। ठीक। इसमें तकरीबन 20 अफराद है। ठीक। और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इसमें कुछ एक्स मीडिया के लोग हैं जो कराची का दर्द रखते हैं। ठीक। ये मेरी कोर कमेटी है, इस कमेटी ने ये फैसला किया कि आप अभी ये ऐलान करें कि आप सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। 4-5 नाम उन्होंने तजवीज किए हैं, झंडे के कुछ शक्ल उन्होंने मुझे दी है, कुछ मैनिफेस्टो दिया है, और मुझे उम्मीद है कि मैं उनके मशवरे से इंशाअल्लाह ताला। सलीम साहब, कुछ हमसे भी शेयर करें ना, किस किस्म के नाम हैं? मैंने वही कहा, कोई मुत्तहिदा है एलिमेंट उसमें, कोई पाक एलिमेंट है, क्या एलिमेंट क्या है आपके नामों का? देखिए, उसमें सबसे पहली बात यह है कि मैं वो सियासत को खत्म करना चाहता हूँ जो वन मैन शो पे चलती थी। ओके। कि एक ही नाम, एक ही आदमी का हुक्म। मेरी कोर कमेटी जो फैसला करती है उसे मैं भी मानूंगा, यहाँ तक कि वो कोर कमेटी अगर ये फैसला करती है कि उसका सरबराह मैं हूँ तो मैं उसको मानूंगा, अगर वो कोर कमेटी फैसला करती है कि उसका सरबराह कोई और होगा तो मैं उस फैसले को भी तस्लीम करूंगा। हमारा मैनिफेस्टो दो चीजों पर है। हमारा मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले हम इस कराची को ओन करें, इस कराची को ओन करें। हमारा नारा है नो क्रिमिनल नो क्राइम। हमारा नारा है कि इस शहर के जो मसाइल हैं उन मसाइल पर भरपूर तवज्जो दिया जाए, एजुकेशन को सही किया जाए, यहाँ के आवाम को एजुकेट किया जाए, यहाँ के नौजवानों को क्राइम से और क्रिमिनल एलिमेंट से दूर किया जाए। और कोई झंडा वगैरह भी आपने अपनी जमात का सोचा है, कोई निशान वगैरह सोचा? जी, जब पार्टी होगी, जब नाम होगा, तो यकीनन झंडा भी होगा। हाँ। तो क्या आप पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल करेंगे या कोई नया? नहीं, पाकिस्तान का झंडा जो बन गया वो पाकिस्तान का झंडा है। अल्लाह उस झंडे को सलामत रखे। ओके। अच्छा सलीम साहब, आप 16 दिसंबर को, हम भी कोशिश करेंगे कि आपके उस जलसे को कवर कर सकें, 16 दिसंबर को आपने कराची में जलसे का भी ऐलान कर दिया है, इतनी जल्दी आपने इतने कारकुनान इकट्ठे कर लिए हैं कि अपनी सियासी पावर शो कर सकें आप? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि 16 दिसंबर को एनजीओज जो है, 4-5 एनजीओज है जो कराची में जलसा कर रही है सबूत ढाका पे। ओके। उनका नारा ये है कि जो गलती मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करने के बाद की गई है वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए। जो मूवमेंट बलूचिस्तान में चल रही है, पुलिस में इस वक्त अलहदगी की तहरीक चल रही है, अल्लाह ना करे अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, उस तहरीक को हम कामयाब ना होने दें। जो एहसास बैरूमी बलूचिस्तान में है, जो सिंध में है, उस एहसास बैरूमी को ख़त्म किया जाए।
वो हालात पैदा ना किए जाएं जिससे लोग जो है वो उस राह पे जाएं जो आज से सालों पहले 1971 में हुआ था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शहजाद साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।